ना वो, ये जिंदा है? जिंदा नहीं है। ओए होए, ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया। ओए होए होए, ओए होए होए, और नहीं, ओए होए होए, यहाँ इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। ओए होए यार, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चींटियाँ पड़ गई हैं यार वो सारी। यार शिट यार, बाकी भी पकड़ो ना, जल्दी जल्दी से पकड़ो, उनके मुंह से खून निकल रहा है। ओए होए यार शिट, जल्दी आ जाओ। तो भाई अभी तक इनको नहलाया मैंने, लेकिन दोबारा भी इनको जल्दी नहलाएंगे, इनके पानी बंद का करते हैं बंदोबस्त जी। तो फ्रेंड्स, जो हमने कूलर लगाया था अपने शेड में, उसको हम बाहर लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसमें था पानी, पानी की वजह से ही उठाया, बिल्कुल नहीं जाना था। तो हमने क्या किया है कि पाइप उतारा है पंप का, और यहाँ पे इसको पानी डालना शुरू कर दिया, ताकि ये आसानी से हम इसको उठा सकें। फ्रेंड्स, मैसन का एक और नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एयर कूलर था उसको हम लगाने लगे हैं विंडो के बाहर, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें ना कल 80+ वो ह्यूमिडिटी इसमें क्रिएट हो गई थी हमारे इस शेड में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार नहीं यार, ये काफ़ी ज़्यादा ना ह्यूमिडिटी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस वजह से अब आपको आवाज़ थोड़ी सी मेरी इस एयर कूलर की वजह से थोड़ा मसला हो रहा होगा आपको, लेकिन क्या है कि इसमें अभी हमारा थोड़ा सा खलारा भी देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, और कुछ चीज़ें हैं जो सेटिंग होने वाली हैं। तो हमारा ये पानी जो है तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया, आधा तकरीबन हो गया हुआ है, और आधा इसमें से निकल आया, फिर हम इसको लेके जाएंगे बाहर, और बाहर जाके इसको करते हैं आज फिट। और ये देखिए, अंदर तो चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं बची। एक केज जो था वो कल हमारी वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा ये वाला केज जो है वो फ्री हुआ है, और साइकिल भी यान की आ गई है, और उनकी जो चेयर है वो भी अंदर रख दी हुई इन्होंने, क्योंकि ये आपस में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे। और बस 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 बस, बर्ड्स भी आज जो है ना वो हवा की वजह से थोड़ा खुश हैं, और बस थोड़ी देर में हम कूलर को लगाते हैं बाहर। नहीं तो फ्रेंड्स, कूलर चला गया है हमारा बाहर, तो अब हम जाने लगे हैं इसका कनेक्शन करने के लिए। और वैसे ना यहाँ से मुझे थोड़ा सा ना ये नज़र आ रहा है कि ये इसकी जो फेस है ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, पीछे हमें कुछ और भी रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका बिल्कुल सामने जो है लेवल हो जाए। स्विच, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो अभी हम, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त हवा आ रही है यार, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी ये देखें 29 इसकी ह्यूमिडिटी है, मतलब हब्स, और 32 इसका टेम्परेचर है। तो अब हम 5 मिनट बाद जाके चेक करेंगे इस रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया हुआ है, क्योंकि अब कूलर चल गया है, कूलर जो हवा फेंक रहा है ना वो ज़बरदस्त हवा इस टाइम आ रही है, क्या ज़बरदस्त हवा आ रही है। और अयान की साइकिल को मैंने लगा दिया है कोने में, और बाकी जो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सामान सामून था वो सारा मैंने राइट लेफ़्ट कर दिया है। अब हमारे बर्ड्स हैं वो इन्जॉय करेंगे इस मौसम को, और टेम्परेचर मैंने आपको दिखाया, 5 मिनट बाद हम दोबारा टेम्परेचर चेक करेंगे कि क्या हो। जी तो फ्रेंड्स, अभी मुझे 3 से 4 मिनट हुए हैं अभी बैठे हुए, और 45 इसकी जो है ह्यूमिडिटी हो गई है 31.1। देख रहे हैं आप के मिनटों में जो है ना इसका टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। तो यही फ़ायदा है, अभी चल रही है गर्मियाँ, और अप्रैल की तकरीबन आज हो गई है 16 तारीख हो गई है, और गर्मी जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ रही है, और इनकी ज़ुबानें भी छोटी। आपको मैं दिखाता हूँ कि अब जो है ये सुकून में है, नहीं तो इनकी जो ज़ुबानें हैं ना वो भी बाहर जिस तरह आना शुरू हो जाती है। होंगे ये एक जामी शीरी नहीं है, ये असल में मैंने आज इनको दिया है वो वाइटामिन कैल्शियम और पैनाडोल का सीरप, ठीक है। ये सबको एक जितना दिया था, लेकिन माशाल्लाह उन वाले इन्होंने ना उस वाले पेयर ने सबसे ज़्यादा जो है वो पानी पिया। बाकी सबके आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी मकदार में हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उस वाले पेयर ने पानी पी। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रे इनकी भी करने लगे हैं साफ़, ये मैंने निकाल ली हुई है, और बाकी जो अंदर थोड़ा सा ये सब चारे का बकाया जात पड़ा हुआ है वो भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना ट्रे की हालत जो है वो ख़राब हो गई है। तो आपको पता ही है कि इनकी बीमारी के लिए सबसे जो मेन वजह होती है वो होती ही गंदगी है, तो इसलिए हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे जिससे इनकी सेहत को कोई असर पड़े। तो इसलिए हम टाइमली इसकी सफाई कर देंगे। और फिर ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दफ़ा ये अभी तक इनको नहलाया मैंने, लेकिन दोबारा भी इनको जल्दी नहलाएंगे, इनके पानी बंद का करते हैं बंदोबस्त। ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी गंदा है, लेकिन ये गंदा नहीं, ये फीड है इसमें, क्योंकि डक जो है वो एक दफ़ा खाती हैं, खाने के बाद फिर पानी पीती हैं, खाती हैं फिर पानी पीती हैं, तो फिर जो इनके मुँह में जो फीड होती है ना वो आ जाती है इसके अंदर, पानी के अंदर। वो देखें,
तो यही वजह है कि इसके अंदर फीड भी मौजूद है और ये पानी भी है। तो हम करते हैं ट्रे को जल्दी से साफ और वापस लगाते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी आया हूँ ऊपर डालने के लिए इनको दाना, लेकिन मुझे नज़र पड़े हैं वो देखें, बनीस फीमेल जो है उसने दिए थे बच्चे। और ओए होए यार शिट, ओए होए होए, ओए होए होए यार नहीं, ओए होए होए, यहाँ नहीं आओ जल्दी से, इधर आओ, ओए होए यार जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चींटियाँ पड़ गई हैं यार वो सारी, उनको इधर आओ जल्दी से, वो बच्चे निकालो जल्दी से, इधर आओ अंदर जाओ अंदर, वो देखो रैबिट के बच्चे हैं, जल्दी 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 छोटे बने, पकड़ो 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 पकड़ो, ओए होए यार शिट, जल्दी पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, हाँ चूंटियाँ मुझे पकड़ाते जाओ ना आप, ओए होए होए यार शिट यार, बाकी भी पकड़ो ना जल्दी जल्दी से पकड़ो चूंटियाँ, कुछ नहीं कहती कुछ नहीं कहती, पकड़ लो ना यार, ये अभी इसने शायद कहीं बच्चे दिए हैं और बच्चे भी, ओए होए ये तो मर गए हैं बेचारे, ओए होए उनके मुंह से खून निकल रहा, तो पकड़ो पकड़ो इसको भी पकड़ो, ओए होए होए यार शिट शिट, ओए होए होए बेचारे कितनी तकलीफ में है, ओहो यार पकड़ लो ना यार, ओए होए 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 चूंटियों का, पकड़ लो जल्दी से पकड़ो आराम आराम से, ओए बेचारे कितनी तकलीफ में है, शिट यार ये कैसे, ये तो बल्कि इनको बड़ा मैंने, वो दो दोनों भी पकड़ो, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे अभी तक बेचारे, ओए होए पकड़ लो नहीं ये ठीक है ये जिंदा है अभी अल्लाह का शुक्र, पकड़ो यार वो भी पकड़ लो जल्दी से पकड़ लो, जल्दी पकड़ जल्दी पकड़ जल्दी करो जल्दी करो, ये दो तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए ना, ये दो अभी हैं, ओहो पकड़ो पकड़ो, ओए होए यार शिट जल्दी आ जाओ, ये देखिए फ्रेंड्स दो जो हैं बनीज हमारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और ये पांच जो हैं ये मेरे हाथ में हैं, टोटल माशाल्लाह सात बच्चे दिए हैं, और ये देखिए बेचारे दो जो हैं वो बहुत ही अजियत के साथ जो हैं अल्लाह को प्यारे हुए हैं, और ये आज ही फीमेल ने ब्रीड किया है, और मैं अचानक ही आया हूँ ऊपर ये ट्रे खाली करने के लिए यहाँ पर, और मैंने देखा यार अचानक वो चीज़ कोई हिल रही है, और वह सामने चूंटियाँ इनके साथ अटैक इनके ऊपर किया हुआ था, यार बड़ा ये जुल्म वाला मामला हुआ है, क्योंकि फ़ीमेल की हरकतें जो थी ना वो मुझे लग रहा था कि फ़ीमेल ब्रीड करने वाली है, डालो डालो इसमें कॉपेक्स पाउडर डालो, अब इसके अंदर डालेंगे कॉपेक्स पाउडर और फिर हम बच्चों को इसके अंदर छोड़ेंगे, चलो चलो शाबाश बस काफ़ी है इतना ही। जी फ्रेंड्स वो मैंने कॉटन अंदर से निकलवाई है, तो एक और बनी जो है वो छोटा बच्चा वहाँ पे है, देख पकड़ लो ना पकड़ लो उसको, आठ बच्चे माशाल्लाह इस फीमेल ने दिए हैं, और बेचारे जो तीन है ना ये जिंदा है, जिंदा नहीं है, ओए होए ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया, टोटल आठ बच्चे इस फीमेल ने दिए हैं माशाल्लाह, और तीन जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बाकी अल्लाह करे इन पाँचों की जो है वो ज़िंदगी हो। इसको हम कॉटन को उठा के डालते हैं कढ़ाई में, ये देखिए फ्रेंड्स बेचारा ये वाला जो है वो किस तरह से कांप रहा है, पता नहीं अब इसको सर्दी लग रही है या पेन हो रही है, बाकी बच्चे जो है ना वो भी सो रहे हैं, और लग रहे ये बच जाएं क्योंकि बहुत ही तकलीफ़ के साथ ये इस दुनिया में आए, आते साथ ही इन्होंने तकलीफ़ देखी है कि इन पे चूंटियों ने अटैक कर दिया, यार ऐसा पहले तो नहीं हुआ था, लास्ट टाइम जब हुए थे तब तो हमने उठा के कढ़ाई में डाल दिए थे, लेकिन अब मैंने कॉपेक्स डाल दिया पाउडर, तो इंशाल्लाह अब चूंटियाँ जो है ना वो दूर रहेंगी इससे। जी तो फ्रेंड्स हमने भी लास्ट टाइम की तरह ना कढ़ाई रख दी अंदर वापस और बच्चों को डाल दिया अंदर, फीमेल आएगी शाम को और इनको इंशाल्लाह फीड करवाएगी, अल्लाह करे अब ये बच जाएं। जी फ्रेंड्स मैंने इसको चारे के लालच में पकड़ा तो है पेटियों के नीचे से, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो जो बनीज हमने छोड़े थे कढ़ाई के अंदर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, किस तरह सो रहे हैं, ओहो कोई भी नहीं बचा, सबके सब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ओए होए होए यार बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म हो गया यार इनके तो बहुत ज़्यादा, टोटल इस फीमेल ने आठ बच्चे दिए थे, आठों के आठों को जनाब चींटियों ने बहुत ज़्यादा, ओहो हो यार शिट, ये फीमेल कल परसों से अपने ना बाल नोच रही थी, और मैंने वीडियो में भी दिखाया होगा आपको कि
कि फीमेल जो है ना वो अपने बाल नोच रही है, लेकिन इसने 8 बच्चे दिए और 8 के 8 अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, फीमेल ने 8 बच्चे दिए और 8 के 8 जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फ्रेंड्स कोई एक नहीं बच सका, कोशिश थी कि 5 जो बच्चे मौके पे बच गए हुए थे उनको तो कोशिश थी कि भाई अल्लाह करे ये बच जाएं, लेकिन असल में चूंटियों ने उन सबको काटा हुआ। तो जाहिर है वो चूंटियों का जो जहर है ना वो काटने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सके। चूंटियों का जहर हल्का सा तो होता है, लेकिन बच्चे भी तो नन्हे से थे, लेकिन वो नहीं बच सके। तो 8 बच्चे दिए और 8 के 8 जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही दुख भरी वीडियो, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।